युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 9 जनवरी 2020 दिन गुरुवार, पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी तिथि मध्य रात्रि 3:43 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है वो दोपहर 12:07 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहुकाल दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 3:05 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुँच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके पड़ोसी ही आपके मान सम्मान को झूठी बातें फैलाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आज आप उनसे सावधान रहें। आपके ससुराल पक्ष किसी व्यक्ति की वजह से आज आपको धन हानि भी हो सकती है। यदि पिछले कई दिनों से आपके वर्क प्लेस पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो आज आपकी सभी दिक्कतें हल हो जाएंगी। और यदि आपके बॉस या सहकर्मी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा था तो वह भी आज सुलझ जाएगा। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। व्यवसायिक लोगों को आज अपने व्यापार की प्रगति के लिए सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आज व्यवसायिक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने व्यापार की रीच बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से कई गुना रिटर्न्स प्राप्त होंगे। आज नहाने के पानी में दही डालकर स्नान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। धनु राशि वालों, अपने प्रेम संबंधों में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में आ रही सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए
और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को अक्सर दूसरों की बुरी नजर लग जाती है, जिनकी वजह से वो अनायासी बीमार पड़ जाते हैं या उनके साथ कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे करके आप अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको आज बाजार से एक नया कपड़ा खरीद के लाना है जो कि पीले रंग का हो। उस पीले रंग के कपड़े पर आपको हल्दी लगानी है और उसके पश्चात उसमें अजवाइन बांधकर एक पोटली सी बनाकर आप उसे काले धागे में बच्चे के गले में लटका दें। यदि आप श्रद्धा पूर्वक ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों की सदैव बुरी नजर से रक्षा होती रहेगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मेरा नाम जन्मंजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे ये अंगूठी पहनाई थी, मैंने ये अंगूठी पहना, मुझे काफी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला। मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीने पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सलाह बोला था इस चीज़ के बारे में। फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, मुझे और कुछ बाकी था मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं यही देना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आप आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आप विश्वास कीजिए। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।